मैंने कई बार अपने वीडियोस के कमेंट सेक्शन में एक चीज नोटिस की है कि कुछ लोग कहते हैं कि अगर भारत में चाइना की तरह कम्युनिज्म होता या वन पार्टी रूल होता तो भारत भी चाइना की तरह जल्दी ग्रो करता, पॉलिटिक्स कम होती, करप्शन कम होता, इंफ्रा प्रोजेक्ट को कोई भी बीच में नहीं रोक पाता, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने में आसानी होती, गोल विजन सब क्लियर होता, फोकस बहुत अच्छा होता, जिससे ओवरऑल देश की इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो करने लगती, जिससे देश में गरीबी भुखमरी तेजी से कम होने लगती। तो चलिए आज इसी चीज पे बात करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कम्युनिज्म इंडियन इकोनॉमी के लिए बेटर सिस्टम होता कि नहीं। तो जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। 1947 में भारत को अंग्रेजों से आजादी मिली थी और उस समय भारत एक डेमोक्रेटिक देश बन गया था। पर क्या होता अगर 1947 में भारत डेमोक्रेटिक देश के बजाय एक कम्युनिस्ट देश बनता, तो क्या आज भारत चाइना की तरह तेजी से ग्रो कर पाता? आइए जानते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि कम्युनिज्म और डेमोक्रेसी होती क्या है। तो देखो, डेमोक्रेसी में लोगों के पास फ्रीडम होती है, अपना नेता चूज करने का ऑप्शन होता है, अगर कोई चीज ना पसंद आए तो उसे क्रिटिसाइज करने की, प्रोटेस्ट करने की पावर होती है। डेमोक्रेसी में हर एक को इक्वल राइट मिलता है और आज के समय दुनिया की 2/3 आबादी डेमोक्रेसी में जी रही है। भारत को वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक देश कहा जाता है। अब बात करते हैं कम्युनिज्म की। कम्युनिज्म का मतलब होता है मनी लेस, स्टेट लेस और क्लास लेस सोसाइटी, जहाँ पे सबको बराबर ट्रीट किया जाए, जहाँ पे कोई भी ऊंच नीच नहीं होता है, कोई अमीर गरीब नहीं होता है, सब इक्वल होते हैं। कार्ल मार्क्स को फादर ऑफ कम्युनिज्म कहा जाता है। कार्ल मार्क्स ने 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा था, जिसे बहुत से लोगों ने पढ़ा और इसे बहुत ज्यादा प्रभावित भी हुए। कम्युनिज्म बेसिकली यूरोप में आए इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के अगेंस्ट था। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के चलते जो लेबर थे उनकी हालत बहुत खराब हो रही थी और जो फैक्ट्रीज के ओनर थे उनकी वेल्थ बहुत तेजी से बढ़ रही थी, जिससे सोसाइटी में रिच और पुअर के बीच गैप बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा था। तो ये सब देखने के बाद कम्युनिज्म धीरे धीरे यूरोप में फेमस होने लगा। कहा जाता है कि वर्ल्ड वॉर वन के बाद जब दुनिया में गरीबी और भुखमरी बहुत तेजी से बढ़ रही थी, तब कम्युनिज्म का राइज हुआ। तब उस समय कम्युनिज्म यूएसएसआर, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, स्वीडन, पोलैंड, नॉर्वे में बहुत तेजी से फैलने लगा। पर असल में कम्युनिज्म की शुरुआत हुई यूएसएसआर में, जब 1917 में लेनिन एक कम्युनिस्ट लीडर उभर के सामने आया और उसने रशियन रिवॉल्यूशन को जन्म दिया। लेनिन ने यूएसएसआर के मोनार्क जार की पावर को खत्म किया और यूएसएसआर में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की और आज ज्यादातर कम्युनिस्ट देश में लेनिन का कम्युनिस्ट मॉडल चलता है। वैसे दोस्तों, अगर आपको फैसिज्म, कम्युनिज्म और डेमोक्रेसी के बारे में और डिटेल से जानना है, तो इसके लिए आप कुकू एफएम पे फैसिज्म एंड डेमोक्रेसी की ऑडियो बुक को सुन सकते हैं। इस ऑडियो बुक में वर्ल्ड वॉर टू के डार्क डेज के बारे में बताया गया है कि कैसे उस समय फैसिस्ट और कम्युनिस्ट डेमोक्रेसी के अगेंस्ट एक साथ हो जाया करते थे। इसके अलावा कैसे उस समय कम्युनिज्म पूरी दुनिया में फैल रहा था, ये भी इस ऑडियो बुक में बताया गया है। इसके अलावा आप लोगों को कुकू एफएम को इसलिए भी साइन अप करना चाहिए क्योंकि इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की ऑडियो बुक्स मिलेंगी, जैसे कि पॉलिटिक्स, मोटिवेशन, स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, बायोग्राफी। मैं कुकू एफएम को बायोग्राफी और हिस्ट्री सुनने के लिए यूज करता हूं क्योंकि मुझे मोटी मोटी बुक्स पढ़ना बोरिंग लगता है। इसके अलावा मैं मॉर्निंग में कुकू एफएम में दी गई मोटिवेशनल ऑडियो बुक भी सुनता हूं पॉजिटिविटी के लिए। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। वैसे अगर आप मेरे थ्रू कुकू एफएम पे रजिस्टर करते हैं और कूपन कोड CPH50 का यूज करते हैं, तो आपको कुकू एफएम के फर्स्ट मंथ सब्सक्रिप्शन पे 50% का ऑफ मिलेगा। मतलब आप 99 रुपए की जगह सिर्फ 49 रुपीज में 1 मंथ के लिए 10,000 से ज्यादा ऑडियो बुक का एक्सेस पा सकते हैं। अगर आप एक बुक खरीदते हैं तो उसके लिए आपको कम से कम 500 रुपए खर्च करना पड़ता है, पर कुकू एफएम पे आप सिर्फ 49 रुपीज में कई सारी ऑडियो बुक्स को सुन सकते हैं। तो इंतजार किस बात का, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। कुकू एफएम को डाउनलोड करो और अपनी नॉलेज को बढ़ाओ। देखो, आज के समय दुनिया की 1/3 आबादी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहती है, जैसे कि चाइना, नॉर्थ कोरिया, लाओस, क्यूबा और वियतनाम। इन देशों में वन पार्टी रूल होता है, बस पार्टी में लीडर चेंज होते रहते हैं। इन देशों के लोगों के पास वोटिंग राइट नहीं होती है, वो अपना नेता नहीं चुन सकते हैं। इसके अलावा इन देशों में लोगों के पास फ्रीडम नहीं होती है, वो ओपनली कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं, उनके खिलाफ बोल नहीं सकते हैं। पर इन सब के बावजूद बहुत से लोग चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ को देख के ये कहते हैं कि भारत में भी कम्युनिज्म होना चाहिए। तो आइए कम्युनिज्म के फायदे और नुकसान के बारे में बात करते हैं। देखो, कम्युनिज्म का सबसे मेन एडवांटेज ये रहता है कि पॉलिसीज को लेकर देश में कोई भी पॉलिटिक्स नहीं होती है। एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ। चाइना में कम्युनिज्म है, चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी जो पॉलिसी बना देती है उस पर तुरंत काम होने लगता है। चाइना में पॉलिसीज को लेकर कोई पॉलिटिक्स नहीं की जाती है, कोई प्रोटेस्ट नहीं होता है, कोई उस पॉलिसी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता है। एक बार जो पॉलिसी बन गई, समझो बन गई, उसको सिर्फ पार्टी ही खत्म कर सकती है। वहीं हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पॉलिटिक्स ही है। जब भी हमारे देश में कोई अच्छी पॉलिसी आती है तो कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी उसमें अपनी टांग अड़ा देती है। जब कांग्रेस थी तो बीजेपी यही करती थी, आज बीजेपी है तो कांग्रेस भी यही कर रही है, जिसके चलते भारत अपनी पोटेंशियल के हिसाब से ग्रो नहीं कर पाता है। वहीं चाइना में आपको ये सब देखने को नहीं मिलता है। चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ने अगर कोई बिल या कोई पॉलिसी ला दी तो उसका कोई विरोध नहीं होता है। इसके अलावा कम्युनिज्म से देश में बार बार इलेक्शन नहीं होते, जिससे ज्यादा पैसा नहीं खर्च होता है, जिससे लॉन्ग टर्म गोल सेट कर पाना आसान हो जाता है, साथ में फोकस भी बढ़ जाता है, विजन क्लियर हो जाता है। चाइना में वन पार्टी सिस्टम होने से
चाइना आराम से लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी और प्रॉपर प्लानिंग करता है और फिर उसी के चलते ग्रो करता है। वही भारत में हर 5 साल में इलेक्शन होता है, ऊपर से हर साल किसी न किसी राज्य में इलेक्शन होता है, इससे लॉन्ग टर्म गोल सेट कर पाना नामुमकिन बन जाता है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी को भी पता है कि जब तक सत्ता में रहेंगे तब तक उस प्रोजेक्ट में काम चलता रहेगा, जब सत्ता गई तो वो प्रोजेक्ट भी बंद हो जाएगा, चाहे वो प्रोजेक्ट देश के लिए कितना भी जरूरी क्यों ना हो। तो ये सब जानने के बाद आप लोगों को लग रहा होगा कि कम्युनिज्म तो देश के लिए बहुत अच्छा है, भारत में भी इसे लागू करना चाहिए, पर अगर मैं ये कहूँ कि कम्युनिज्म का जो फायदा है वही उसका नुकसान भी है। मान लो कि अगर देश में वन पार्टी सिस्टम है और उन्होंने देश की ग्रोथ के लिए इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई पर कुछ सालों में ही पॉलिसी बुरी तरह से फेल हो गई, तब क्या होगा? देश के लोगों के पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा, तो उस समय देश में हालात बहुत खराब होने लगते हैं, भूखमरी गरीबी बढ़ने लगती है। और कम्युनिज्म में ये कई बार देखने को भी मिला है, जब स्टालिन ने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को बूस्ट देने के लिए रॉन्ग पॉलिसी अपनाई थी तो उसके चलते यूएसएसआर में 15 से 20 मिलियन लोग मर गए थे। इसके अलावा चाइना में माओ ज़ेडुंग ने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को बूस्ट देने के लिए ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी को लॉन्च किया था, जिससे चाइना में 45 मिलियन लोग भूख से मर गए थे। तो कम्युनिज्म का ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। वही डेमोक्रेसी में अगर कोई भी इकोनॉमिक पॉलिसी फेल होती है तो 5 साल बाद हम उस सरकार को बदल सकते हैं, ये चॉइस लोगों के पास होती है। कम्युनिज्म में ऐसा नहीं होता है, कम्युनिज्म में डिक्टेटरशिप के चांसेस बढ़ जाते हैं। पर अब आप कहोगे कि चाइना कैसे कम्युनिज्म के चलते ग्रो कर रहा है, तो देखो चाइना कम्युनिस्ट सिर्फ पेपर में है, चाइना की जितनी भी इकोनॉमिक पॉलिसी है उसमें आपको कैपिटलिज्म देखने को मिलेगा। चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी खुद इसे चाइनीज स्टेट कैपिटलिज्म कहती है। चाइना में वन पार्टी सिस्टम है पर वहां पे भी प्राइवेट कंपनीज है, चाइना में भी फॉरेन कंट्री से FDI आता है। चाइना पहले कोई अमीर देश नहीं था, वहां पे भी गरीबी थी, वहां की सरकार ने FDI की पॉलिसी को ठीक किया जिसके चलते 1990 से चाइना में इन्वेस्टमेंट होने लगी। जहां 1990 में चाइना में सिर्फ $3.4 बिलियन का FDI आया था, वहीं 2019 में चाइना में $155 बिलियन का FDI आया था। आपको बता दूं कि 2013 में चाइना में $290 बिलियन का रिकॉर्ड FDI आया था। अगर चाइना में इन्वेस्टमेंट ही नहीं होती तो आज चाइना इतना ग्रो ही नहीं कर पाता। इसके अलावा चाइना के ग्रोथ की सबसे मेन वजह है चाइना की पॉलिसीज। 1949 से 1978 तक चाइना की इतनी स्ट्रिक्ट कम्युनिस्ट इकोनॉमिक पॉलिसी थी कि वो ग्रो नहीं कर पा रहा था, करोड़ों लोग भूखमरी से मर रहे थे। पर फिर 1978 में डेंग ज़ियाओपिंग ने चाइना में न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म को इंट्रोड्यूस किया। डेंग ज़ियाओपिंग को पता था कि चाइना कभी भी कम्युनिज्म के चलते ग्रो नहीं कर पाएगा, तो उन्होंने चाइना की इनर पॉलिसीज को ही बदलना शुरू कर दिया, फॉरेन रिलेशंस को ठीक किया और फिर उसके बाद न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म को इंट्रोड्यूस किया। इन रिफॉर्म में चाइना ने दूसरे देशों को परमिशन दी कि वो चाइना में आके इन्वेस्टमेंट करे और फिर बिजनेस स्टार्ट करे। इसके अलावा चाइना ने जापान USA से टेक्नोलॉजी और मशीन्स खरीदी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा दिया, मेक इन चाइना को बढ़ावा दिया, जिसके चलते आज चाइना एक इकोनॉमिक सुपर पावर हो गया है। चाइना की GDP 1978 में सिर्फ $150 बिलियन की थी और आज 2023 में चाइना की GDP $18 ट्रिलियन से ज्यादा की हो गई है। कम्युनिज्म तो आपको नॉर्थ कोरिया, क्यूबा, वियतनाम में भी देखने को मिलेगा, पर ये देश चाइना की तरह आगे नहीं बढ़ सके। तो देखो मेरा कहने का मतलब ये है कि कम्युनिज्म हो या डेमोक्रेसी हो, अगर देश की इकोनॉमिक पॉलिसी अच्छी है तो तब तक सब कुछ ठीक रहता है। अगर इकोनॉमिक पॉलिसी ही खराब होती है तो कम्युनिज्म हो या डेमोक्रेसी हो, हालात हर जगह ही खराब रहेंगे। बस डेमोक्रेसी में फायदा यह है कि लोग नालायक सरकार को हटा सकते हैं, कम्युनिज्म में ये पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए आपको नॉर्थ कोरिया, क्यूबा, वियतनाम जैसे देशों में आज भी बहुत गरीबी देखने को मिलती है। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि भारत में कम्युनिज्म आजादी से पहले ही आ गया था। 1925 में भारत में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया फॉर्म हुई थी और उनकी फर्स्ट मीटिंग कानपुर में हुई थी। भारत की आजादी के बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने बहुत सारे स्टेट में इलेक्शन लड़ा है और कई स्टेट में उनकी कई सालों तक सरकार भी रही है, जैसे कि वेस्ट बंगाल में कम्युनिस्ट की 34 साल तक सरकार रही थी, त्रिपुरा में 30 साल और आज के समय केरला में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है। पर ओवरऑल देखा जाए तो भारत में कम्युनिज्म फेल हो चुका है। आज के समय कम्युनिस्ट पार्टी की इंडिया के लोकसभा में 545 सीट में से सिर्फ 2 सीट है और राज्यसभा में भी सिर्फ 2 सीट है। देखो कम्युनिज्म पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है पर उसे प्रैक्टिकल लाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा कोई देश हो जहाँ पे ना कोई क्लास हो, ना कोई डिवीजन हो, ना कोई डिस्क्रिमिनेशन हो, सबको इक्वल राइट मिले, ना कोई किंग हो, ना कोई स्टेट हो, ना सब कुछ लोगों के कंट्रोल में हो, एक ऐसा देश जहाँ पे पैसे से ज्यादा सोसाइटी पे ध्यान दिया जाए, सुनने में कितना अच्छा लगता है पर रियलिटी में ऐसा होना नामुमकिन है। आज दुनिया के 5 देशों में कम्युनिज्म है पर वहां पे भी कोई भी देश कम्युनिज्म के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है, ये सभी देश पावर के लिए अपने बनाए कम्युनिज्म का यूज करते हैं। वहीं अगर आप आज के समय ध्यान से देखोगे तो कार्ल मार्क्स ने जिस कम्युनिज्म की बात करी थी वो चीज कम्युनिस्ट कंट्री के बजाय डेमोक्रेटिक कंट्रीज में ज्यादा देखने को मिलती है, जैसे कि आप कम्युनिस्ट कंट्री में प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं पर डेमोक्रेटिक कंट्री में कर सकते हैं। इसके अलावा कार्ल मार्क्स इनहेरिटेंस नेपोटिज्म के खिलाफ थे, डेमोक्रेटिक कंट्रीज में इसके खिलाफ आवाज उठ रही है, जैसे कि भारत में बॉलीवुड में नेपोटिज्म डायनेस्टी पॉलिटिक्स के खिलाफ आवाज उठ रही है। इसके अलावा कई यूरोपियन कंट्रीज में इनहेरिटेंस में टैक्स लगता है, मतलब अगर कोई इंसान अमीर है और वो अपनी वेल्थ को अपने बच्चों के नाम करना चाहता है तो उस पर टैक्स लगता है। इसके अलावा आपको कई डेमोक्रेटिक कंट्रीज में वर्कर के राइट्स के लिए यूनियन देखने को मिलेंगे।
देंगे। कम्युनिस्ट कंट्री में ऐसा नहीं होता है। तो देखा जाए किसी भी देश के लिए डेमोक्रेसी कम्युनिज्म से बहुत बेटर है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि कौन सा सिस्टम बेटर है, आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और हाँ, अभी इस समय कुकू FM पे 50% का डिस्काउंट चला है, तो अभी जाओ कुकू FM को डाउनलोड करो और अपनी नॉलेज को बढ़ाओ। तो दोस्तों मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।